और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा, उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आवाज नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गगरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा, वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे देव पंचोली को मत मांगिए।
ಕಾಡುಕತ್ತಲಾಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿನಾರ ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರ ಪಂಚುಳ್ಳಿ फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं, चुप हो जाओ। आपका नहीं है ना, मेरा है और मुझे ये सब वापस चाहिए। बड़ा बड़े प्रार्थने, बड़ा बड़े प्रार्थने कुतना रहे। निम जाग ना इंद्र से कुटते ने, और जागो ना निम इंद्र से कुटते ने। अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहाँ होगा मैं वहां जाऊंगा। तीर्मान मेटली नान माते जग ऊर अदर तीर्मान इवतल मुंद बर। अच्छा, गाँव वालों की है? और ये दरी बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? भूलना नहीं, बीवी को भी साथ लेकर आना, मिलकर मजे करेंगे। हाँ, मार मार मार।
Thank you.
सीधा आकर हमारे ऊपर हाथ उठाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। तो क्या मारामारी करोगे? 3 साल से वही तो जीतता आ रहा है, हमारा लड़का है वो, सपोर्ट करना चाहिए। जा, जाकर मेडल लेकर आ। क्या नसीब है, लगता है उसमें स्कॉच है। ए शिवा। हाँ सर। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे आके बताओ, गांव वालों के सामने पकड़ा करने की क्या जरूरत है? गलती हो गई वो पीने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये और खतरनाक होगा ऐसा लगता है। होगा ना? नहीं लगातार चौथी बार। अच्छा हम सब एक ही गांव के हैं, जब तक जिंदा रहेंगे शांति से जिएंगे, उसी में मजा है। क्या कहते हैं? ये कोला के लिए, कोला अच्छे से होना चाहिए, कम पड़ेगा तो बताना मुझे। ठीक है सर। ठीक है, क्या हुआ? अरे ले लो। अरे यही तो असली पुरस्कार है। कुछ भी बोल साहब, हम सब बहुत प्यार करते हैं, हमारे सामने ही उसके आदमी को कैसा मारा। हाँ और क्या, मार खाया था तब देखना चाहिए था। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था। मारा सुशीला, कहाँ जा रही हो? अरे नखरा तो देखो, एक दीदी आ गई क्या? अरे ये तो किसे इतनी दुख चढ़ी? ये रामबा, कुछ भी बोल साहब, दिलदार है। अकेला इंसान है जो बिना मांगे पार्टी देता है। कोटी सुना पीते जीत गए रे। कुछ भी करता है। क्या है? नहीं है, नहीं है, है, पसंद नहीं है क्या? जो चाहिए इसके पास होता ही नहीं है। कितना हुआ? नहीं नहीं शिवा। अच्छा तुम लोग बाइक लेके कैलाश के पास आओ, मैं वहीं बैठा। अबू सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई। क्या मस्जिद नहीं गया क्या? हम तुम नमाज ही पढ़ूंगा क्या? नमस्ते। मेडल मिल गया? मिल गया। सोने गए? लच्छू कहाँ है? ए शिवा। हाँ ओ चाचा। हाँ शिवा, ये साहब ने दिया कोला के लिए, कम पड़े तो बोलना। उन्होंने कभी कम दिया है क्या? हाँ गुरुआ, इस बार भी मेडल ले लिया। सबको पता है तुम्हें जीता है, इसकी जरूरत नहीं। अरे जो मिलना चाहिए कैसे छोड़ सकते? हाँ बस तेरे आशीर्वाद की कमी है। नहीं नहीं, अरे बहुत तो कल जोर से बढ़िया निकाला जा रहा था उसपे। कुसुम तू इधर रुक, मैं अभी आता हूँ। दवाई क्यों चाहिए तुझे? क्यों क्या हो गया? रात को कुछ देख कर मैं डर गया था यार। ऐसा क्या देख लिया? मुझे देख लिया हा? लेकिन डर के मारे ना सच बोल ही नहीं रहा है ये। तभी घबरा गया था ये। लो आ गया जंगली। तूने तो कहा था कि एक नंबर का लफंगा है, ये मेडल लेकर आ गया। मेडल खेल से नहीं लड़ाई से जीता है, वो अपने घर और गाँव दोनों के लिए बोझ है। ए कपिल ले देव, ये देख हमारा मेडल, आपस में बांट लेना। अच्छा वहाँ कहाँ पर है? खाने को नहीं दिया क्या? अरे इधर रखा है क्या? शाबाश, ठीक है ये ले खा ले। अगले साल ये रिकॉर्ड भी अपने को तोड़ना है। जीतेंगे ना तो 2 मेडल लेके आएंगे। ए लच्छू क्या शिकार किया? मुर्गी का। अच्छा मुर्गी? हाँ मुर्गी का शिकार थोड़ी होता है, उसको तो पकड़ते हैं। अरे जंगली मुर्गी है। जंगली मुर्गी? रामपा कहाँ है? वो बोला कि तू चल मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शिवा भैया तुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे? गाड़ी तो तुझे रामपा ही सिखाएगा रे, लेकिन अभी किसी और को सिखा रहा है। अच्छा तो मैं भी अभी जाऊँ क्या? अगला ही उसको जगह मत छेड़, वो टंकी में पेट्रोल डाला होगा। ये रामपा के लिए, ये भी रामपा के लिए, उसके आने से पहले सब चक्कर जाते हैं। लंबी उम्र है, मरेगा नहीं जल्दी। ना क्या है टाइम नहीं मिला। घुटनों पर मिट्टी क्यों रखी है? बाइक से गिरे क्या? अरे वो कोई वजह नहीं। तो खाना रामपा भाई, मैंने सुना आप अच्छा चलाते हो, मुझे भी सिखाओ ना भाई। अरे चुपचाप खाने दे रही। ये तो सूअर का मटन नहीं है। नहीं है? आज रात चले क्या शिकार पे? अरे शिवा भैया भाग क्यों रहे हो? अरे शिकार तो रात को जा रहा है, अभी सुबह भाग रहे हैं। ए शिवा ये मतलब देख ना, देख देख कितने कमला कैसे उल्टी चल के आ रही है। समझ ना तू, शर्मा की टोली यहाँ बैठी है, हाथ खड़ी है, बोले की भागो भागो जल्दी भागो। बैठा है, देखती हूँ कब तक नीचे नहीं आएगा। मना किया था ना तुझे जंगली सुअरों का शिकार नहीं करना है, सारा गांव सर पे उठा के रखा है। अरे सुअर किसने मारा है? मुर्गी को मारा है। चुप, सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? सच में मुर्गी खाया है, यकीन नहीं हो रहा है, सुन के देख। तू अपना मुंह बंद कर ठरकी, शादी की होती तो इसकी उम्र के 2 बच्चे हो चुके होते अब तक, उन्हें भी यही खाना सिखाता क्या तू? आधी लगती है शमशान पहुंच गई है, लेकिन अभी पल नहीं आया। क्या करता तूने, तेरा सर की उम्र में शादी कर ली थी? तू क्या दांत दिखा रहा है, बहुत अच्छी आ रही है। अरे अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे क्या लगता है तू छोटी बच्ची है क्या? स्कूल में हम साथ में थे सब याद है ना? तेरे वो कारनामे मैं याद भी नहीं करना चाहती। कमला चढ़ता वाला पान खाया क्या? इतना क्यों भड़क रही है? बंद कर। और तो नीचे आ, आज फैसला होकर रहेगा, चिल्लाते चिल्लाते कहीं मैं गूंगी ही ना हो जाऊं।
भयंकर, इसके लिए मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सच में आज शिकार नहीं करते हैं? आज तेरी सुहागरात है ना। रुक, आता हूँ नीचे। सर, हम पूरी रात जाकर शिकार किए हैं, सोचा कि पहला टुकड़ा आपको दे। सर, दिल छोटा मत कीजिए, इस बार थोड़ा छोटा सोर हाथ लगा है। अगली बार बड़ा शिकार करेंगे तो बड़ा टुकड़ा देंगे। आप तो इस जंगल के रखवाले हैं सर, छोटा हो या बड़ा हो आपको देना हमारा फर्ज है। सही कहा। ये दूसरा वाले। नमस्ते। नमस्ते। ये आवाज कैसी है? वो रिपेयरिंग चल रही है सर। क्या है? इस डिवीजन में कोई आरएफओ नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? सर, ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग जंगल के सारे जानवर को मार देंगे। तो क्या स्टेशन में ऐसे मारोगे लोगों को? बाहर जाओगे ना, वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये, अगर लोगों को ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। आज मैं मांस नहीं खाता, गुरुवार है। जाओ। यहां से कितने सर्वे पोल निकाले गए? जल्दी से जल्दी काम खत्म करके रिपोर्ट दे देना। कार्ड बेटू को छोड़कर और तीन गांव बचे हैं सर। ओए, कौन हो तुम लोग? आओ, ये सब क्या है? मैंने पूछा ये सब क्या है? घास, पत्ते, वो मुझे भी पता है। रिजर्व फॉरेस्ट से ये सब लेकर जा रहे हो, परमिशन है क्या? ये क्या होता है? हर साल कोला के लिए तो हम लेके जाते हैं। जंगल से पेड़ काट के ले जाना अवैध है, तुम्हें नहीं पता? ए, चार जोर मारेंगे आज। अरे कितना चलेंगे भाई, एक ही काफी है। तुम लोगों को कानून नहीं पता है? आजा देखते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब से इस जंगल में कुछ भी करना होगा तो मेरा परमिशन लेना होगा। क्या हुआ? पंचायत किस लिए? क्या लफड़ा है? सुनना शिवा, साहब बोल रहे हैं यहाँ से घास पत्ता लेने के लिए भी परमिशन चाहिए। क्या क्या परमिशन लेना होगा? बिना परमिशन के गए तो सरकार छोड़ेगी नहीं। घंटा, सरकार आने से पहले हम लोग के पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो आप हमसे परमिशन लो। लिया गया है? लिया गया? नहीं ना, परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ अभी। चलो, काय का धूप पे टकला गरम करने का। चलो रे, तुम लोग को जंगल में घुसने दिया यही बड़ी बात है। नक्शा, इस नक्शे में पता पता किधर है बताओ ना। अरे उनको नहीं पता, तुझे क्या बताएंगे? वो ऐसा है, ढूंढ के बताना। ढूंढो, मिलेगा। मिल जाए तो बताना। रवि सर, रात को परमपादे में राउंड मारना। ठीक है सर। ए लचू, मैंने दादा की कहानी बताई थी ना तुझे? हाँ सर। 1850 राजा का युग था। हाँ, राजा मारदंड गजेंद्र सिंह का राज था, समझा? वो राजा और मेरे दादाजी वीर पराक्रमी तनिया दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ओ, राजा गजेंद्र सिंह को शिकार का बहुत शौक था। हाँ, एक दिन मजाक में राजा और मेरे दादाजी ने 14 जंगली सुअर मार दिए। थोड़ा आगे जाके देखा तो और एक पड़ा हुआ था, वो भी सुअर ही था। अरे नहीं रे, शेर। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तुम्हें दिखा? मुझे शेर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। पकड़ो, वो घायल हो गया। आवाज तक जा रही है।
अरे गर्स है, 2x2 कितना बड़ा है ना साला। अरे कितना मोटा है, लगता है बुल्ला का बिछड़ा भाई है। और शिकार करें, पागल हो गया क्या शिकार? आज के लिए एक ही काफी है, चल यहां से निकलते हैं। यूं इतने में हवा टाइट हो गई। ठीक है बंद हो, जल्दी करो शिवा। क्या आते वक्त गोली यहीं पे चलाई थी ना, चल ढूंढते हैं। अरे छोड़ना, वो नहीं मिलेगा, आगे चल। अरे रुको ना, ढूंढते हैं। हाँ तेरे दादा का कंकाल मिलेगा, चलो। रामबा भाई, आपके दादाजी किसी शेरनी से पीड़ित थे क्या? शिकार के बारे में पता चला ना, बहुत कुटाई होगी। अरे उसे पता ही नहीं चलेगा। ए, सुअर की एक टांग साहिब के लिए और दूसरी टांग मेरे दादाजी के गन के लिए। काटना जल्दी। सर्वे करने वाले हैं ना आप लोग? हमारे गांव वालों को तो
आप लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे नहीं है, एडजस्ट कर लेना सर। पुराने ऑफिसर के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे और हमारे बीच में भी कोई मनमुटाव ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। सच में मनमुटाव ना हो इसका ख्याल तो आपको रखना होगा, हमारा काम तो चलता रहेगा। त्यौहार रहेगा तो बताना, आकर खाना खाकर जाऊंगा। वो क्या है, बीवी घर पे नहीं है, एडजस्ट नहीं करता इसलिए छोड़ के चली गई है। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाउंड्री यहाँ तक आती है, इन दोनों जगहों पर एनक्रोचमेंट है। ये देवेंद्र सुत्र का है और बाकी सब गांव वालों का है। हमने संबंधित लोगों को नोटिस भेज दिया है। गांव वालों को सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें बात करके समझाना होगा। सर, किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है, बात करो तो अटैक करते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर यही कहानी बताते हैं, ये हमारे नाकामी की वजह नहीं होनी चाहिए।
नमस्ते सर। जय स्वामी बंजर। ए शिवा, हाँ ये गुरुआ अच्छा नाश्ता है, लेकिन तेरे पिता के बाद ही कुछ और थी। फॉरेस्ट ऑफिसर आने दे। किसने फोड़ने बोला? हर साल मैं ही फोड़ता हूँ। लेके ये क्या कर रहे हैं आप? साबू के साथ लफड़ा कर रहा है वो, चल देखते हैं। रुचो, कौन बोला ये लेके जाने को? क्या सर? बैग दे कहीं को दोबारा पटाखों की आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज नहीं आनी चाहिए मतलब? फटेगा तो आवाज आएगी ना। तुम लोग आवाज करोगे तभी क्या तुम्हारा दैव नाचेगा। पी के कुछ भी बक रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? नौटंकी सुना तुम लोगों ने? जानवर और बच्चों ने कंप्लेंट की क्या? केस रोकने बोलो, कोर्ट में देखेंगे। केस हो गया, कोर्ट तक गया तो तुम्हारा वकील कौन होगा? तुम्हारा दैव आके लड़ेगा। तुम्हारी समस्या क्या है? हम तुम्हें पसंद नहीं है क्या? सुंदर तू एक मिनट रुकना, तुम्हारे पास पावर है तो हमारे ऊपर धौंस जमाओगे। रुकना भाई, अबे पीछा। शिव मैं गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। दैव के बारे में गलत क्यों बोला? हमारे दैव की कहानी बताया क्या आपको या बेटा के बताऊं? किसी ने तेरे बाप को बताया और तेरे बाप ने तुझे, और तू रास्ते पर गांव का घूम के ये बात सबको बता रहा है। तेरे पास करने को और कोई काम नहीं है क्या? आखिर आ गया ना बाप तक, तुम हमें सुनाओगे हम चुपचाप बैठेंगे? लगता है झगड़ा हो रहा है, चल देखते हैं। अब चलिए मैं आता हूँ साहब। अब पटाखा दे मेरे को। फोड़ेंगे, बार बार फोड़ेंगे, मैं तो रोक के दिखाऊं। शिवा शिवा पीछे जा, क्या बेवकूफी कर रहा है तू? आग कोला का कार्यक्रम चल रहा है और तू यहाँ झगड़ा कर रहा है? पटाखों में आग लगा रहे हैं तू, इसके क्यों आग लग रही है? साहब आप कोला में पहली बार आए, आप प्रसाद खाइए और झगड़े से दूर रहिए। मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो कोला और सब त्यौहार बंद करवा दूंगा। एक बाप की औलाद है तो बंद करके दिखा, फिर मैं देखता हूँ तू यहाँ से जिंदा कैसे निकलता है। भिखारी साला, अबे आना टकलू, आना चल। आपको आज मुझे रोकना नहीं चाहिए था शायद। रोकना नहीं चाहिए था, बोला नहीं चुपचाप। पागल है क्या तू? कोई बुरा सपना देखा क्या? लगता है शिवा तेरी ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। तुम कमियों को कोला खत्म करके घर आकर सोने नहीं होता? से दिन रात आवारा गर्दी कर रहे हो। कभी कभी तो मन करता है कि चाय में जहर मिलाकर तुम लोगों को मिला दूं। तू इसके साथ कैसे जीता है रे बाबा? जिंदगी का यही मजा है रे। ओ नलायको, खाना खाकर ही आवारा गर्दी करने जाना। शिवा घर पर है? हाँ है ना अंदर। अरे लीला तू तो बहुत सुंदर हो गई है, शाम को मिलती हूँ। अरे शिवा क्या हो गए, अभी सोकर उठा है क्या? लगता है बाप को पता नहीं कल इसको चिट्ठी काटी थी। किसने किसको चिट्ठी काटी? अरे इसने उसको काटी। कहाँ पे काटी? ऐसी जगह काटी है कि वो किसी को दिखा भी नहीं सकती। शिवा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कल मजाक में मेरे से हो गया। मजाक में? तूने जानबूझकर किया? नहीं नहीं मजाक में, अगर मजाक में किया तो ठीक है, लेकिन तूने जो किया ठीक किया। आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? काहे का गुस्सा, देखकर मैं तो खुश हो गया था, है ना बेटी? मैं भी इस उम्र में यही करता था। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। थैंक्स। बाप के नाम पे पाप है ये? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे भाई जो शिवा ने ऑफिसर को डांटा था। हाँ क्यों,
अरे हाँ, मैं जिस बात के लिए आया तो बोला ही नहीं। हाँ, बोलो ना, बोलो बोलो। इसका ट्रेनिंग खत्म हो गया। वो ट्रेनिंग का नाम बोल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गार्ड ट्रेनिंग। अरे हाँ हाँ, वही वही। साहब से बात करके इसी गांव में नौकरी पे लगवा दो ना। अच्छा, बस इतना ही? अरे हो जाएगा, अभी के अभी साहब के पास चलते हैं, वो काम पे लगा देंगे। मैं लेके जाता हूँ इसको। मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा क्या? तो ठीक है, वैसे भी आपका फुल सपोर्ट है ना। हाँ, जल्दी आओ। आएगा आएगा, घबराओ मत। अरे नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं चाहिए, काम हो जाएगा। अच्छा, कह रही है बाबा, इससे सच में काम होगा क्या? अरे पापा, वही सोच रहा हूँ, पीछे से चुप क्या रहा है, बीच में बेटी को बिठाओ, इस तरह की सुरक्षा के लिए। चलो चलो, जल्दी बिठाओ, चल बैठ। साहब नमस्ते। हाँ शिवा, ये लीला है, फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग लेके आई है। मेरे शिकार पे नजर डाल रहे हैं सर। अब ये अपनी है तो इसका काम करा दो ना। करा दूंगा, करा दूंगा। हो जाने, काम हो जाएगा। क्यों? वो टपलू होगा वहां पे। थैंक्स। ध्यान रखना।
शाम को आएगा ना? हाँ रघु भाई, मेरे पहचान की है। ओ लीला, अच्छी हो ना? रघु भाई मिलता, ठीक है बेटा। पुराने ऑफिसर की गलती है, गांव वाले की गलती है, मुझे नहीं पता। आज वो जगह सरकार के कब्जे में आ जानी चाहिए बस। रवि अपडेट क्या है? सर पुलिस और तहसीलदार स्पॉट पर आने वाले हैं। सुधाकर? सुधाकर मजदूरों को लेकर वहीं आएगा ऐसा कहा है। सुनो मुरली, तुम जिस तरह से काम कर रहे हो देखकर लगता है सरकार का नहीं बल्कि कोई पर्सनल मकसद है। मकसद कोई भी हो, काम तो सरकार का ही कर रहा हूँ ना। परसों जो हुआ उसे दिमाग में रखकर ही अगला कदम उठाना। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि इसे नीटली हैंडल करोगे। मैं हैंडल करूंगा सर। ठीक है, अपडेट करना। गुड लक। थैंक यू सर। सर लीला। हाँ तुम तब से यहीं खड़ी हो? हाँ। सर से बात नहीं की अब तक? नहीं। अरे बाप रे, आओ आओ सर। नहीं ज्वाइन, लीला नाम है सर। इन्फ्लुएंस से काम लेने वाले हैं। क्यों जी, वर्दी पर स्त्री करने में समय लगा क्या? तुम्बे बैलू हो चुकी कोडियार गद्दे काट बिट्टू, ये वो जगह है जहां आज हमें जाना है। काट बिट्टू पर ही सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में और मंदिर बनाकर जंगल ही हथिया लेंगे। हाँ रवि। सर उसका भी नाम है क्या लिस्ट में? नहीं सर। नहीं है तो हम डाल देते हैं, लगाएंगे तो उंगली करना भूल जाएगा। सर ये बहुत ही गंभीर मामला है, अगर हम गांव वालों के साथ ऐसा करेंगे तो वो भड़केंगे। वो लोग क्यों भड़केंगे, फॉरेस्ट की जगह है, भड़कना तो हमें चाहिए। सर उन्हें समझ में आया इस तरह समझाना होगा, अगर कुछ उछ नीच हो गया तो हमें समस्या होगी। सर समझेंगे क्योंकि इस बार मैं समझाऊंगा। तभी आओ सर, इन्हें डे नाइट ड्यूटी पर डालो, ट्रेनिंग में क्या उखाड़ा है पता चल जाएगा। रात में पेट्रोलिंग पर जाते वक्त अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है सर। ये रापा महेश को धोने आना। अच्छा अब वो काम पे लग गई तो तुझे मेरी याद आ रही है। अबे आना चुपचाप, पानी ले गया। अब पानी में कौन उतरेगा? बाद में मिलते हैं। ये पकड़। पानी में उतरना नहीं था ना, अब क्या हो गया? आना आजा आजा। कब से आते? आज मैं इन लोगों को समझाता हूँ मेरी भाषा में। कहाँ जा रहे हो? इंसाफ कर रहे हैं। सुंदर हाथ मत उठाना। क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है? मुझे एंक्रोचमेंट कह रहे हैं। क्या कहा उसने? अटैचमेंट। अटैचमेंट? नमस्ते सर, मेरे मजदूर आ गए हैं सर। क्या यार गांव के खराब चेहरे आज नजर नहीं आ रहे? चला गए। आओ आओ आगे बात करो, तुम्हारे गांव के लोग हैं, हमारी बातों से ज्यादा तुम्हारी बात मानेंगे। लीला क्या बात है? जाओ जाकर पीछे खड़े हो जाओ, इन्फ्लुएंस वाले लोग ऐसे ही होते हैं। सरकार का आदेश है, मुझे सरकार को जंगल की बाउंड्री बतानी पड़ेगी और उस बाउंड्री के अंदर सब एनक्रोचमेंट माना जाएगा। सबको समझ में आया? सर सर्वे पुल किधर है? जगह बनाओ, चलो स्टार्ट कर दो। अतिक्रमण जिसने भी किया उसको नोटिस दिया है, उधर जाओ। नोटिस का जवाब देने के लिए टाइम दिया था तुम लोगों ने? दिया नहीं दिया, हमारे पास टाइम नहीं था। अब क्या करें? अब क्या कर रहे हैं बोलो? वो हमें पता है इसीलिए हम लोग आए हैं। हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, बस आप लोग बीच में मत आना। हम लोग क्या शांति से रहते हैं? मुझे नहीं पता, तुम लोगों ने सरकार की जमीन को हड़प लिया। देखो एक घंटे का काम है, तुम लोगों ने जो भी घर बाउंड्री के अंदर बनाए हैं उन्हें बाहर लेकर चले जाओ। तो ठीक है, मेरा जिंदा रहते हुए सब कैसे होता है देखता हूँ। ताकत है तो करके दिखाओ। पीछे हट, पीछे हट, आगे बढ़े हुए कदम पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए तुम्हें जाने दिया था। धमकी देना क्या? गन के ऊपर हाथ मत रखो, गन तो मेरे पास भी है, बस लाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। पीछे जाने बोला तो पीछे जाओ। हाथापाई मत करो, समझे? मेरे पास भी हथियार है, मैं भी हाथापाई कर सकता हूँ। शिवा भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव में आके झगड़ा कर रहे हैं। लीला ये क्या कर रही है तू? तू ही इनके साथ मिलकर जमीनें छीनना चाहती है? मुझे मेरा काम करने दो बाबा, हमें इस तरह की नौकरी नहीं चाहिए। अरे चुप हो जाओ सब लोग यार, बोलने दो ना उसे। हाँ बोलो। मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। दो ना उसे। बोल। हाँ, बोल। अरे असल में बात क्या है मैं भी नहीं जानता। जब नहीं जानता तो तब से क्यों बोल रहे? बताता हूँ, बताता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे कुछ पता नहीं है तो चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या है ना उन्हें भी
अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है ना, इसीलिए प्रेशर रहता है। किस बात का प्रेशर है? तुम्हें मोड़ने की गलती हो गई, तुम भी उन्हीं के गुणगा रहे हो। अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तेरी बात का भरोसा नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। चलो भाई सुनो, हमारी जगह छीनने वाला तुम कौन होते हो? मेरा है, मेरा है, चावल के उतरे बैठा हूँ।
अरे फेंक क्यों रहे हो? अगर ये गेहूं चावल देता तो पता नहीं और क्या क्या करता। ये घर तो महल की तरह है। ये कभी न कभी रक्तचाप से ही मरेगा। अरे कागज सही सही चाहिए वरना कोर्ट में मेरी जान चली जाएगी। जवाब देते देते क्या चाहिए? बाहर निकल, अंदर कैसे आया तू कुत्ते? अंदर मत जा। मोहन जाकर तो अपना काम करना हल्का। शिवा साहब कोई टेंशन मत लेना। नहीं नहीं साहब टेंशन किस बात का, आराम से रह। देखो मिल गया काम, भर गया। साहब कह रहे मेरी उधर रखी है तू पी ना, जल्दबाजी मत करना ठीक है। गड़गड़ मत पी लेना। मौत का मिला तो आखिरी बार मत समझना। इसने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया तो भी साहेब ने कुछ नहीं कहा इसे। तो क्या गली का कुत्ता है जो तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया? मोहन हर एक कुत्ते का दिन आता है, एक दिन हम भी काटेंगे। तुम लोग बैठो मैं जरा हाथी आया। पढ़ लीजिए सर। हमारी जमीन बच तो जाएगी ना। मेरे होते हुए क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे लिए ना शिवा सर सब एक ही है। पता है मेरी जमीन क्या होगी? जंगल के बाजू में ऑफिसर्स आए, मेरे जमीन को इनकरेजमेंट घोषित कर दिए। कमाल की बात तो ये है कि मेरे पास उस जमीन की कोई कागज ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने एक बहुत बड़े अलवर बाहर किया, सुब्रव नाम है उनका, और वो केस 12 साल से चलता ही जा रहा है। जीत होगी कभी तो। शिवा सर खेत में पानी छोड़ना है, चलो आओ मेरे साथ। हाँ हाँ आ जाओ जल्दी। शिवा ये ले टॉर्च, ध्यान से। हाँ ठीक है भाई जी। उन सबको पता तो नहीं चला ना? वो सब तो फुल टाइट है। शिवा तेरी एक सेटिंग थी ना रे, अपने डिपार्टमेंट की बात मानी। उस ऑफिसर को हटा सकते हो? ऐसे नहीं निकलवा सकते है शिवा, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तभी निकलवा सकते है। अच्छा तो ऐसा दिखाते कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, बाकी आप तो हमारे साथ खड़े हो ही ना। तेरा दिमाग बहुत तेज है शिवा, जो बताता हूँ फौरन समझ आता है। ज्यादा बात नहीं है रे। मेरे को बोल, दोस्तों पे क्यों चिल्ला दिया? तुझे तो कुछ भी बोलो गुस्सा ही आता है। क्रोधित मत होइए,
जरा सी बात को इतना बड़ा मत बनाइए। भैया बाहर जाते वक्त दैव को प्रणाम करके जाना, सब अच्छा होगा। ठीक है। लो आ गया फॉरेस्ट ऑफिसर हलकट। बाउंड्री हटाने के बाद जंगल उनका नहीं हो जाएगा, देखते हैं आगे ये लोग क्या करते हैं। सही है ना? हाँ। लंबा ये गन रिपेयर करवा देना, क्योंकि कल से अपनी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। क्या बात कर रहा है? औरों की तरह मेरा निशाना चूकता नहीं है। ए, जाने दो इनको। जा रहे। कुछ ना कुछ काम आ जाऊंगा। क्या? शिवा और उसके गैंग को पकड़वा दूंगा सर।
छोड़ दूंगा गांव छोड़ दूंगा बोलने वाला तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है? उसको ऑफिसर से बदला लेना है, वो थोड़ा कुछ सैड टाइप का आदमी है। इतना बड़ा पेड़ काट रहे हैं? कभी इतना बड़ा पेड़ काटा? लेकिन इससे थोड़ा छोटा था। हाँ वो देख के समझ गए। सारा खत्म मत कर देना, मेरे लिए बचा के रखना। रखा रखा, पेड़ काटते रहो। बारिश बहुत तेज हो रही है सर। सर मैं गाड़ी चलाऊं? आराम से चलते हैं मुरली जी। वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? पक्की है सर, पक्की है। क्या औलादों ने जानवरों को खा खा कर चर भी बढ़ा लिया सर। इन्हें जेल में ले जाकर अच्छी तरह से तोड़िए। बोला पेड़ काट के हम ले जाएंगे, लेकिन नौकरी उठी जाएगी। और अगर नहीं गई तो? नहीं गई तो इससे भी बड़ा कारनामा करेंगे। सुना है जानवरों का चमड़ा कीमती होता है? अपना जंगल में आती है क्या? उसके दांत भी बहुत महंगे होते हैं। ये तो कोयल है। कोयल नहीं, अपने कौवा छोड़ के रखा है। अंधेरा करो, अंधेरा करो। क्या कर रहा है? रुक आया, हथियार पेड़ पे छोड़ दिया। उस तरफ देख, ठीक है।
लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहा है। साहब मैं शिवा। हाँ हाँ साहब ने बोला किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब जिंदा है। बाल बाल बच गए। साहब ने बोला जब तक मैं ना कहूँ जंगल से बाहर नहीं आना। हाँ। मैं जाके एक बार वहां से मिल के आता हूँ। ठीक शिवर चारों तरफ पुलिस है। अरे पुलिस आएगी तो सिग्नल देना तुमको या पुलिस को? तेरे बाप के बाप को। तो घर जाके बारूद ले गया। हाँ। शिकार करने के काम आएगा। ए बुल्ला हाँ? पापा की दुकान से खाने का कुछ ले ले, पैसा बाद में दे देंगे। हाँ। चलता हूँ। अरे अब मेरे साथ चल। चलो अंदर जाओ, अब जल्दी आना। शिवा इनके साथ रहना ही नहीं है, मैं अपना बैग लेकर कहीं और चला जाता हूँ। मछली है क्या? मेरे नहीं चाहिए। तेरी वजह से खाना मेरे गले से नहीं उतर रहा है। मछली खाए तो मछली बिना खाना नहीं खा पा रही है। वापस आऊंगा तो बनाना। मतलब तो फिर से जाएगा? जाऊंगा तो थोड़े देर में आ जाऊंगा, बॉर्ड में थोड़ी बर्ती हो रहा हूँ। अबे साले चिल्ला देना। गलत टाइम पे सही मौका। अरे ये तो पुलिस वाली है, अगर मैं भागूंगा तो तुम पकड़ने आओगी। चल चल। शीला शीला तुम लोग आराम से खाना खाओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। अरे खाना तो खा के जाइए। खाना बाद में खाना। चुपड़ी चल। दारू पीकर ड्यूटी करने जाओगे तो यही होगा, दिमाग ठीक है ना? देखिए सर, हमारी गाड़ी में जाकर पेड़ को नहीं ठोका, वो पेड़ अपने आप हमारे ऊपर गिर गया। समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे। शट अप। ऐसे लोगों को तुम्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये पक्का उसी का काम है सर, जानबूझकर किया उसने। रवि जितनी धाराएं लग सकती है लगा के केस दर्ज करो, ताकि जेल से ना निकल पाए। नाराज है तो ऐसा काम करना ही क्यों तेरे को? हाँ ठीक है छोड़ दूंगी,
इस नौकरी के लिए मैंने जो दिन रात मेहनत की थी सब बर्बाद हो जाएगी। अगर तुझे खुशी मिलेगी कोई बात नहीं, छोड़ दूंगी। गलती हो गई। नाटक मत कर। ए, बोला ना गलती हो गई सारी। अपना सॉरी अपने पास ही रख। गलती हो गई बोला तो ज्यादा नाटक कर दिया। छोड़ दो शिवा। Yeah.
शिवाय तेरे थोबड़े को क्या हुआ? वो छोड़ो, तुम लोग कैसे पकड़े गए? ये झंडू लड़की के पीछे तुम ही जाना। और वो निकली पुलिस हल्का। गलती हो गई। देखो रे साला, लड़कियों में मगन रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तू कहां था अब तक? लीला के पास। हाँ, तू तो बहुत जिम्मेदार है ना। मैंने उससे कहा था कि जंगल में छिप कर रहना, पर वो नहीं माना। अच्छा हुआ, बहुत उड़ता था वो। साहेब आप उसे गलती से भी छुड़ाने मत जाना। अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो नहीं किया तो मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। लेकर उस पहाड़ी के नीचे तक सब हमारी जमीन है, लगभग 500 एकड़।
सब अपनी है, क्या कहता है? जगह अच्छी है साहब। देख गुरुआ, तू देव का काम निष्ठा से कर रहा है, तो मेरे दिल की ये तमन्ना है इसमें से 5 एकड़ में तेरे नाम कर दूं। सही है ना? आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या साहब? मुझसे क्या लूंगा मैं, चला तुझे गाड़ बैठने तक छोड़ देता हूं। कोई बात नहीं, खुद चला जाओ। आ जा, कोई नहीं आसपास। हाँ सुनो सब लोग, देखो यहाँ है, हम लोग यहाँ से दाहिने घूम के हम सीधे आ गए, फिर आगे जाएंगे तभी नहाने की जगह मिलेगी। अरे बाद में नहाएंगे, तू आगे चुप रहे। हाँ तू बोल। ये देखो यहाँ से सीधे बाएं गए और आगे पाखाना मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। अब ये पैखाने से कब निकलेगा क्या बता? चुप रहो ना, ये बोल रहे तू। ये देखो यहाँ पर एक गली है और यहाँ से सीधा गए तो 10 या 15 फीट की एक बड़ी दीवार मिलेगी, और हम लोग तो कम से कम 5-5 फीट के तो होंगे ही आराम से। अगर हम एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो आराम से पूछ सकते हैं। बोलो कैसा लगा मेरा मंसूबा? बताओ बताओ जल्दी। आखिरी आदमी कौन तू रहेगा? हाँ मैं 6 फीट का हूँ ना, कूदेगा कैसे? तुम लोग कूदने के बाद घूम के आके दरवाजा नहीं खोलोगे मेरे लिए? बोलो। और गेट खोलने के लिए तेरा बाप खड़ा है कभी ने? ठीक, लगता है तुम लोग समझ नहीं पाए मेरा मतलब। मैं वापस समझाता हूँ, ये जो जगह है। अरे यार भागने की मत सोचो, हम यही रुकते हैं, हमें न्याय मिलेगा। सब लोग खाना खा लो, जेल में रहने का यही फायदा है, टाइम पे खाना मिल जाता है। ये क्या है? ये चित्र बनाया। किसको उल्लू बना रहे हैं? अरे रे, तेरी और कितनी अपनी परीक्षा होगी, हर बार तेरी ही धुलाई होगी।
सोने से खरा इंसान था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? जिसने भी किया है हमारे दाई उसको नहीं छोड़ेंगे, खून की उल्टी कर करके मरेगा। पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? कंप्लेंट तो करनी है, पर सब मना कर रहे हैं। उनके शरीर में दैव है, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए छेड़फाड़ करेगी जो दैव का अपमान होगा। और साहब इतना ही नहीं, वो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर अलग कर देंगे। मेरा बेटा तो अब चला ही गया, पुलिस अब क्या कर लेगी? उसकी आत्मा को शांति मिले। शिवा को खबर पहुंचाई क्या? अगर शिवा तक खबर पहुंची तो उसके साथ ही पुलिस वाले भी आएंगे यहाँ। पहले गुरु का क्रियाक्रम हो जाए, बाद में सब कुछ बता देना। हजारों साल की हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में ठूस रहे हैं, दैव की सेवा करने वालों की लाशें गिर रही है। क्या चल रहा है ये सब? लगता है जमीन में ही दोष है। दोष का तो निवारण करेंगे, युद्ध खत्म होने से पहले गुरुवार के कातिल को ढूंढकर मैं उसे जांग से मार दूंगा। क्राम राज्य सर्वेंटर नम दैव चाक्री बल गुरु देवर पाद सेवे तुम चाक्री बल पुणा मुद्रे को गुरु उद्रदेपे छू सके, पर तेरे तुझे कोई न पिघला सके। ए कमला, तुम सब मुझसे मिलने आए हो? कैसे तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग सब कैसे हो? शिकार किया कि नहीं? तू कैसी है? ए कमला, इसको एक आइसक्रीम खिला देना, बहुत ज्यादा रोती है ये। तू कभी जिंदगी में कोला नहीं कर पाएगा। अब ये ऐसा क्या हो गया माँ जो तू रो के ये बोल रही है? अरे क्या हुआ, मैं क्यों कोला करूंगा, गुरुआ है ना? गुरुआ है ना? कोला करने की जरूरत नहीं है। आसान नहीं है, अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखो। सर, कार्ड बिट्टू वालों ने कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा है सर। गांव के लोगों को अब तो फुर्सत मिल गई ना? लोग ऐसे ही हैं सर, अक्कल ठिकाने आने में टाइम लगता है। चलो गाड़ी कम। क्या हुआ सर? हमारे नोटिस का रिप्लाई देवेंद्र ने किया। देवेंद्र सुत्तू ने? ये कैसे हो सकता है सर, जिसके नाम पर जगह है उसको रिप्लाई देनी चाहिए। वही सब देखते हैं। चलो अब देखने को कुछ नहीं बचा है, सारे कागजात साहिब के नाम पे हो चुके हैं। जमीन के सारे कागजात इस फाइल में है सर। थैंक यू। इसे संभाल कर रखिएगा। हर बार सर्वे के समय 20 एकड़ ज्यादा क्लेम किया औलाद उसका खानदानी वैसा है, हमेशा यही किया है उन लोगों ने। हमें देखो, हमारे पास जितना पहले था अब भी उतना ही है। मुझे आपको एक बात बतानी थी। एक बार कोला के त्योहार में झगड़ा लगाकर उसने कोला रुकवा दिया था, फिर हमारे खानदान के लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारे घर से बेल मिल गई तो जान से नहीं। अच्छा, अगर कोई बड़े लॉयर को पकड़ेगा तो ठीक है। एरिया का मैप देखो। मैप?
अब मैप देखकर क्या होगा, पहले से ही गांव वालों से जगह लिखवानी है सर। काटबिट्टू की जो जगह है उसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट स्टडी है। अगर ये पास हो गया तो साहब के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक माने जाएंगे, उसके बाद देवेंद्र साहब को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए, ये राजीव हमेशा आपके साथ है। अभी शिवा होता तो अच्छा होता। शिवा को जल्दी जल्दी बाहर निकालना होगा। क्या कह रहे हैं, इतने जल्दी उलट गए? आपने अभी कहा कि उसे छुड़वाएंगे नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसे जेल से छुड़ाना होगा। ये मुर्गी का पिंजरा है क्या, जब चाहे डाले और निकाल लिए? अरे जेल है भाई। लगता तुझे दारू ज्यादा होगी, तू ये कर पाएगा या नहीं ये बता। हाँ करूँगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर कुछ पैसा बरसाएंगे तो मैं सुबरा से इस बारे में जरूर बात करूँगा। भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी।
गांव वालों से अब और इज्जत मिलेगी है ना। चुप कर, तेरी वजह से हम लोग अंदर गए थे। कुल्हाड़ी लाया क्या? नहीं भैया, लाना चाहिए था। आपके कितने बाल चले गए जंगल से वो पौधा लेके आया। पौधा चाहिए तेरी तो एक शब्द मत बोलना। गुरुवा के कातिल का पता चला। तुझे बेदिन की वजह से ही मिली है। ऐसा नहीं रहेगा, कब से बात करने के लिए। शिवा, साहिब ने तुझे घर बुलाया है, चल। नहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे घर जाएगा। ए जमीला, और तुम लोग जीप में बैठ। ठीक है। बाहर निकलते तूने फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुड़वाया। क्या कर रहा है बेशरम? कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? कितने दिन हो गए तेरी शक्ल देखे। आजा आजा, जेल में सब ठीक था ना? हाँ सब ठीक था। मैंने सुना तुझे राजीव ने छुड़ाया, शायद तेरे नजदीक आना चाहता है। ये उनके खून में ही है। जब गोला रुक गया था तो दही के सारे गहने उठाकर वो अपने घर में ही ले गया था। हमसे कुछ बात करनी है? अरे मुझे भी तो तुझसे बात करनी है, लेकिन पहले हम लोग जम के पार्टी करेंगे। आज कुछ क्या हो गया जैसे जीत के आया हो? इस हरामी को जल्दी दारू चढ़ती नहीं है, इसलिए आज उसे स्कॉच दी है। तुझे आज ज्यादा चढ़ गई ऐसा ये कह रहा है? अरे नहीं सर, मैं तो पार्टी का पार्टी पी जाता हूँ, अभी खाली गला गिला हुआ है। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और कहीं को? आग, आग, आग को हमारा साथ देना होगा। खून करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उसको। हो गया बोल के? इन सबको घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। ए, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहब, क्रॉच एकदम करेंगे। अरे पागल, स्कॉच है। देवेंद्र सुत्तूर नाम का ही साहिब है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो फिर काहे का साहिब राम है? ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? क्या हो गया आपको? पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की, लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं, मुझे एक बात बतानी है। तुम बिल्कुल गुस्सा मत हो, शांति से पूरी बात सुनना। अब सुन, हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? कौन है? वो DRFO। उसने गोला भी रोकने की कोशिश की, जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने गोला करने वाले को ही मार दिया। ठीक में उसकी लाश डालकर उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, मैंने कहा था ना गुस्से पर काबू रखना, तुझे पूरी बात सुननी पड़ेगी। जल्दबाजी मत कर शिवा, जोश में होश खोएगा तो उसको ही फायदा होगा। और से सुन, अब जो भी कर रहा है वो मैं करूंगा, तू नहीं। मैं खुद उसका गला घोटूंगा, उसके खून की बरसात ही इस गांव को शांति देगी। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रखो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, सुधाकर, मेरे हाथ धुला, उस कुत्ते को छुआ मैंने। कुत्ता बिल्ली के शिकार पे निकला है, शिकार के बाद कुत्ते को पट्टा पहना देना। ये तो पुलिस वाले को मारने जा रहा था, माधव की दुकान के सामने क्यों रुकिया? माधव भैया, रात खत्म होने से पहले गुरुआ के कत्ल को खत्म कर दूंगा। पर इस साथ को भी खुद को मत जलने देना।
तुम्हें कि माल में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर तुम्हारी बातें ऐसे जा रही है, जा रहा है, शायद गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है वापस साथ में। साहेब अकेला आ रहा है, फिर देखा तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह साहेब गुरुआ को देखने घर भी आ रहा है। ये राज आज तक राज ही रह गया। ए तलवारी का गाड़ी क्या बोल रहा है, खत्म करते उसे। लेकिन पहले सबक सिखाने के लिए बोला था, खून करने के लिए नहीं। ए, चलो रे। तलवार को धार लगाने, रात को मैं हथौड़ा नहीं दम मारता हूँ, कर लाना। कर दो रहा उनकी मदद, तुम लोग आओ रे, मेरी भी
क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम चावल में नमक मिर्ची डाल के खाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, लेकिन हम उसी में खुश हैं। आज यहाँ का खाना खा नहीं पा रहा हूँ, पहले जैसा स्वाद ही नहीं आ रहा। वो सूखा मटन का तेरी माँ जी ने बनाया है, स्वादिष्ट है। दिल से बनाओ तो सब अच्छा ही बनता है। अब आपकी बातों पर यकीन नहीं है, अब सब हम अपनी सोच से करेंगे। सब्जी अच्छी बनी है भाई जी। ए, शिवा थोड़ी स्कॉच लेना। शुद्ध हो गया हूँ सर, आप पी लो। तो क्या चाहता है, अब मैं क्या करूँ? आपको जो करना था आपने किया, हमारी इच्छा पूरी करने वाले क्या आप हमारे दैव हो? अब आपका जो भी फैसला होना है उसी भूमि पे होगा। वैसे रिटर्न क्यों हुआ? अच्छा, वो भी हमारी साइड में। 12 बज गया लगता है, आ गया टाइम। इंतजार करूंगा, गलती से भी भूलना नहीं। चलता हूँ, देर होगी तो भी चलेगा। जगह तो बताया ना, काड़बिट्टू। नमस्ते, चलता हूँ जी। बोल, हमारी जमीन वापस करे।
हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उस साहब ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी जमीनें छीन ली। सिर्फ जमीन ही नहीं माँ, हमारे गुरुआ को भी। तुझे साफ दूंगा क्या? चुप क्यों है? उसके घर में घुसे काट डालते हैं, चल चलते हैं अभी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिवा, तू क्या सोच रहा है? अब तक जो हुआ वो सब भूल जाओ साहब, गलती हो गई। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे जंगल में एक पत्थर है, उसमें कान लगा के सुन, दया को बात करेंगे। पर मैंने सुनी जंगल की आवाज। अगर मैं कान लगाकर सुनूंगा तो शायद दैव की बात सुन पाऊं। हम दोनों का विश्वास अलग हो सकता है शिवा, लेकिन अस्तित्व एक ही है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे लोगों का साथ दोगे?
भी यहाँ आ जाओ, सब कुछ खत्म हो गया, शिवा मर गया। अरे गांव के सारे लोग आ गए क्या? लगता है जंग में बहुत सारे निकल ली। मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों को जो बेवकूफ बनाया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे, पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। जिनके पति मर गए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए मेरे दिल में जगह है। कमला
Thank you.